कबाड़ भंगार जो कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्लटर में खाली यही कूड़ा, क्लटर का मतलब ये होता है वो चीजें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से, वो भी क्लटर में आते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर हो गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी अनयूज चीजें जो आपको यूज ही नहीं करनी है वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, निकालते नहीं है, वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है। ठीक है, घर में पुरानी वाइफ रहे तो लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना बच्चों से पूछ रहे। देखिए हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा, लेकिन बच्चों को क्या पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सही बता सकते। कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं चाहिए, वो हमेशा कहेगा पेरेंट्स बच्चों से नहीं मम्मी चाहिए क्या ये भी, और ये पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं पापा नहीं, पापा यही सही है, मम्मी चिल्लाते लो पापा नहीं चिल्लाते सर, प्यार भी मम्मी करती है पापा को नहीं बच्चों को, पापा को नहीं करती है पापा का कोई बात ने बताया ब्लू ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में, वाटर बॉडी बोरिंग साउथ और साउथ ईस्ट में, फाइनेंस और कंसीविंग की भी प्रॉब्लम, कंसीविंग मतलब चाइल्ड इश्यूज होते हैं ना कि पे जैसे कि भाई कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगर कहीं पर ऐसा है कहीं पे लगे कि भाई कंसीविंग ही नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो देट कैन बी वन, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट, इसको भी जरूर चेक करना चाहिए। और फीमेल हेल्थ, अगर कहीं पर लेडीज को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो ये जरूर देखना। आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लटर, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आज की तारीख में, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं, तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना इंसोमेनिया होता है, लोग सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, या सपने बहुत खराब खराब आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना, बस दो घंटे सो पाते हैं, तीन घंटे सो पाते हैं, नींद नहीं आती, अनरेस्ट रहता है, तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट कि बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई है, उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। बेड में सिर्फ आपके लिनन होने चाहिए, यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए, आप भले ही अपने पहनने के कपड़े रखें, आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें, कुछ भी रखें, लेकिन वही चीज रखें जो यूजेबल हो, लेकिन कोई भी क्रॉकरी मेटल ये सारी चीजें कभी बेड के अंदर नहीं, ये बेड के अंदर रह गए रहेंगी तो ये निश्चित तौर पे आप ये सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है हेल्थ इश्यू में ट्रेंड अप हो जाता है, कोई भी चीज लंबे समय से चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं होना, जितना कबाड़ घर में रहेगा जितना अनसिस्टमाइज चीज रहेंगी उतना आपको डिस्टर्ब होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली, कि द पीपल दोज आर बोर्न ऑन 9th और 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होगा, बाकी के दिनों में सर आप अगर फुल मून की पिक्चर लगाते हैं अपने मोबाइल पे